सभी पंचायतों का ये दायित्व है कि वह अपने गांव का सर्वांगीण विकास करे, परंतु वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के धरसौना गांव में ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। धरसौना गांव का खड़ंजा पिछले 7 सालों से क्षतिग्रस्त पड़ा है, जो कि यहां की जनप्रतिनिधियों एवं सरकारी कर्मचारियों की निरंकुशता एवं लापरवाहियों के कारण इस खड़ंजे का पुनर्निर्माण नहीं कराया गया है, जिससे यहाँ रहने वाले राजू सहित कुल 200 लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी समस्या यही है कि रास्ते में पानी भर जाता है और आने जाने में बहुत दिक्कत होता है। करीब बगल में मंदिर भी है, स्कूल है, बच्चे भी उसमें पानी में हल्के ही जाते हैं। आप देख लीजिए कमरे से कि पूरा गड़बड़ है यहाँ समा तक। और हम लोगों ने बहुत बार कोशिश किया और प्रधान तक गए, कहे जब वोट लेना होता है तो आ जाते हैं घर घर कि भैया हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे। फिर उसके बाद वोट लेने के बाद वो किसी को पहचानने से इनकार करते हैं, पहचानते भी नहीं हैं, घर पर जाने पर भी। समस्या यहाँ पर पहला काम तो ये है कि यहाँ रास्ते का प्रॉब्लम है। बच्चे जो यहाँ को लोगों को परेशानी होती है, टीचर आते हैं उनको परेशानी है। तो उन लोगों को आने जाने में कितनी समस्या होती होगी? अब आने जाने का समस्या ये होता है कि मतलब जो रोड रास्ता सही नहीं है तो बेचारे क्या करेंगे। अब उनको ड्यूटी तो करना है तो मजबूरी में आना ही पड़ता है, चाहे पानी हो चाहे कीचड़ हो। क्या समस्या होती है आपको? समस्या रास्ता में पानी है, आने जाने का रास्ता नहीं है, रहने के लिए मड़ी है, कीड़ा बिच्छी चढ़ जाते हैं घर में। ये रोड कितने साल से खराब है? कम से कम 10 साल से खराब है। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? इसके लिए चाह रहे हैं रोड बन जाए, मेरे मड़ी एक ट्रैक्टर बन जाए। अगर ये चक रोड आपका बन गया तो आपकी कुछ परेशानी कम हो जाएगी? बहुत परेशानी कम हो जाएगा, जनता के आराम हो जाएगा, हमको आने जाने के आराम हो जाएगा। मैं और मेरा समुदाय ये चाहता है कि इस खड़ंजे का पुनर्निर्माण कराया जाए ताकि इनकी परेशानियां दूर हो सके। इस वीडियो के देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि आप लोग वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454475779 पे कॉल करके दबाव बनाए ताकि इस खड़ंजे का पुनर्निर्माण कराया जाए। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।